Hello students, today we'll do The Adventure of Toto by Ruskin Bond, class 9 from the book Moments. You can have a key sentence to learn chapter name and author name. Ruskin Bond saw Adventure of Toto. जो इस कहानी में एक दादाजी हैं वो एक छोटे से लाल रंग के बंदर को खरीद के लेके आते हैं, एक जो तांगा वाला होता है उससे 5 रुपये का वो खरीदते हैं। अब टोटो जो है वो बहुत सुंदर था, उसकी आँखें जो है शरारतों से भरी हुई थी, उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे, लेकिन जो उसके हाथ थे वो इतने पतले थे ऐसा लगता था कि धूप में वो सूख चुके हों, लेकिन जो उसकी पूंछ थी वो इतनी सुंदर लगती थी और वो इससे अपने हाथ के जैसे काम लेता था। अब जो दादी जी हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि दादाजी हमेशा कोई ना कोई पेट घर लेके आ जाते हैं, इसीलिए दादाजी ने टोटो को रहस्यमय ढंग से छुपा के रखा। तो जब दादाजी ने टोटो को छुपा के रखा था एक कमरे में, टोटो ने उस कमरे में पूरी दीवार फाड़ दिया और पूरी वॉलपेपर फाड़ दिया, पूरे कर्टन्स फाड़ दिए और जो ऑथर जो नरेटर है दादाजी हैं उनका पोता है उसका स्कूल का ब्लेज़र भी फाड़ दिया। अब जो टोटो है उसके बाद उसको सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया और पेट्स के साथ। अगले दिन दादाजी को देहरादून जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि वो टोटो को भी अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि टोटो और जो पेट एनिमल्स थे उनको आराम से नहीं रहने दे सकता था, वो हमेशा कोई ना कोई शरारतें करता रहता था। इसीलिए दादाजी ने टोटो को एक बहुत बड़े काले रंग के कैनवस किट बैग में रखा। उसके बाद जब दादाजी देहरादून रेलवे स्टेशन पे पहुँचे और वहाँ पर वो अपना टिकट वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए क्योंकि जो कैनवस किट बैग था वो ज़मीन पे रोल कर रहा था, तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे ये बैग ऐसे कैसे रोल कर रहा है। सहारनपुर में क्या हुआ, जो दादाजी हैं जब उन्होंने टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट दिखाई तो उसी समय जो टोटो है उसने बैग से बाहर झाँक कर देखा। ऐसा जब हुआ तो टिकट कलेक्टर डर गया, टिकट कलेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान था और उसने दादाजी को कहा कि ये तुम्हारा डॉग है और तुम डॉग लेके जा रहे हो बैग में छुपा के, अब तुम्हें इसका भी किराया देना पड़ेगा। तो दादाजी ने उसका भी किराया दिया 3 रुपये और दादाजी परेशान हो गए टिकट कलेक्टर को बता के कि ये डॉग नहीं है ये मंकी है, लेकिन टिकट कंडक्टर ने दादाजी का यकीन नहीं किया और कहा ये डॉग ही है और तुम अब 3 रुपये इसका किराया दो। कुछ समय बाद दादी जी को पता चला टोटो के बारे में और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। टोटो को फिर एक स्टेबल था जहाँ पर एक डंकी रहता था, उस डंकी का नाम था नैना, उसके साथ रखा गया। लेकिन टोटो इतना शरारती था कि नैना और टोटो की कभी भी दोस्ती नहीं हुई और जो टोटो था वो सर्दियों के समय में केटल होता है केतली होती है उसमें नहाया करता था। एक समय की बात है, सर्दियों का समय था, एक दिन टोटो जलते जलते बच गया क्योंकि वो जो चाय बनाने के लिए केतली रखी थी गैस के ऊपर वो उसके अंदर चला गया और वहाँ पे आराम से बैठा रहा। अचानक दादी आई और फिर दादी ने टोटो को उस केतली से बाहर निकाला। उसके साथ साथ जो टोटो है ये काफ़ी ड्रेसेस को कर्टेंस को दीवारों को भी फाड़ता रहता था। एक दिन क्या हुआ, दादी ने चावल की प्लेट रखी हुई थी और टोटो ने वो प्लेट में वो चावल खाने लगा। जब दादी ने ये देखा तो दादी स्क्रीम करने लगी चिल्लाने लगी और इस पर टोटो ने जो थाली है वो वहाँ पर दादी के ऊपर फेंक दी। उसके बाद टोटो ने एक गिलास भी फोड़ा और उसके बाद दोबारा टोटो ने थाली पकड़ी पुलाव की और जाके जैक फ्रूट कटहल का एक पेड़ था वहाँ जाके बैठ गया और वहाँ जाके बैठने के बाद उसने धीरे धीरे उस प्लेट से पूरे चावल खाए और उसके बाद दादी को गुस्सा दिलाने के लिए उसने उस प्लेट को कटहल के पेड़ से फेंका और वो टूट गई और जब वो प्लेट चकनाचूर हो गई तो टोटो हंसने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये सब देखकर सबको बहुत बुरा लगा। बाद में दादाजी को भी एहसास हुआ कि टोटो को हम ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि ये तो सभी सामान को तोड़ता फोड़ता है और हम इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं, हम इतना खर्चा नहीं उठा सके। इसीलिए दादाजी वापस उस तांगे वाले के पास गए और 3 रुपये उसको दिए और उसका टोटो भी उसको वापस किया।
सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.